अभी ना अपना घर भी सोच रहा होगा कि भाई बस कर, तू काम पे जा पर मेरी जान छोड़, बिकॉज दिस वीडियो हैज प्रोबेबली द मोस्ट अजीब एंड वियर्ड आइटम्स वी हैव एवर ट्राइड। Hi, welcome to your favorite series where we try weird items from a particular category. Today we're trying weird home items. They're not necessarily home organization items as such, but these are meant to solve a problem each. So let's start. The first product is this, which is actually a foam-shaped animal horseshoe. We personally face a lot of problem of our doors banging hard on the wall to the extent where our wall actually even broke. I'll show you a photo and we had to get repaired as well. So that is because we love to keep the windows open. I don't like using the AC until it's unbearably hot. So itni tez hawa aati hai na ki wo door magnet se bhi chipka hua nahi rehta. Wo chhoot jata hai and eventually it bangs right into the wall. So these things are supposed to help out with that. We have one in the shape of a giraffe, one in the shape of a cow, and one in the shape of a ladybug. You've seen how badly the wall broke ki itni tez hawa ye chutku kaise rokega. So let's open and feel if it is sturdy enough. So this is how thick it is. Like, see, I'm pressing it hard, but still it is coming back to its original form. So let's put it on the door. तो पहले ना हल्के से डोर बंद करके देखते हैं, अटक तो रहा है। अब मैं थोड़ा ज़ोर से बंद करने का ट्राई करती हूँ। 1, 2, 3 ओके, दैट इज़ गुड। फाइनल ट्राई है ज़ोर से बंद करने का। 1, 2, 3 दिस इज़ ग्रेट, क्योंकि मेरी ना बहुत फटती है आफ्टर द वॉल हैज़ ब्रोकन वंस। दिस अनदर एडवांटेज कि इफ़ यू हैव किड्स एट होम, दिस इज़ ग्रेट बिकॉज उनकी उंगली दरवाजे में नहीं आएगी। दिस गेट्स अ 10 out of 10। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। दिस सेकेंड प्रोडक्ट इज सपोज टू क्रिएट एक्स्ट्रा स्पेस इन द होम। इसका कैसा पर्पस है कि कोई भी अगर आपका ड्रॉअर है स्पेशली किचन में, तो आप उसको उसमें स्लाइड कर सकते हो कबर्ड में, एंड देन यू कैन हैंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। यू कैन हैंग कप्स हियर। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि हाउ विल दिस फिट, लाइक दरवाजा बंद होने में कोई प्रॉब्लम होगी कि नहीं आफ्टर गेटिंग दिस इंस्टॉल्ड। सो दिस इज अ कबर्ड, तो नीचे यू कैन मेक और एक्स्ट्रा जगह बाय स्लाइडिंग दिस थ्रू। नाउ आपको ये जार्स उठा के स्लाइड करके आप वापस रख सकते हो, एंड देन यू शट इट। सो दिस राइट हियर यू कैन हैंग थिंग्स अप, लाइक दिस स्पैटुला, अनदर वन, फिर आप विस्क डाल सकते हो, and you just made yourself some extra space. इसमें आप कप सप्स भी डाल सकते हो ऐसे तो। सो दिस इज़ प्रीटी सॉलिड एंड दिस गेट्स 10 out of 10 बिकॉज इट्स ग्रेट। इधर पूरा आप कप का कलेक्शन भी लगा सकते हो। सो आई लव दिस प्रोडक्ट, बहुत अच्छा है ये। दिस इज़ अनदर वेरिएशन ऑफ द सेम थिंग दैट वी जस्ट सॉ। ये हमने आइकिया से ऑर्डर किया था, तो इसमें हम करंटली तो मास्क लटका रहे, बट होपफुली आफ्टर अ फ्यू मंथ्स और मे बी अ कपल ईयर्स उसके बाद यहाँ पे मास्क से नहीं कुछ और लटकता होगा, बट दीज काइंड ऑफ थिंग्स डू कम इन वेरी हैंडी। अब आर थर्ड आइटम इज एक्चुअली मेंट टू हैव लाइक गुड इवनिंग्स इन द बालकनी एंड अगेन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, बट दिस इज लाइक अ स्मार्ट स्पेस सेविंग टेक्निक, लाइक टू क्रिएट मोर स्पेस वेयर देयर इजंट। सो एज वी कैन सी इन द फोटो, दिस इज एक्चुअली अ शेल्फ व्हिच इज एक्सटेंडेबल। तो अगर आपको जगह की कमी पड़ रही है तो आप बस उसको खींच सकते हो, एंड देन यू कैन हैंग क्लोथ इज वेल इन द बालकनी टू ड्राई, और उसके ऊपर आप शूज वगैरह भी रख सकते हो। तो यार खोल के देखते हैं। इट सेज कि ये इजिली 20 kg तक ले लेगा। इंपॉर्टेंट थी इन्फॉर्मेशन, बिकॉज जब गीले कपड़े सुखाते हो बहुत हैवी होते हैं, और रिसेंटली हमारा जो मेन था सुखाने का कपड़े वो टूट गया। अरे वाह, कलर बहुत सुंदर है इसका। तो यहाँ पे ऐसे अटैचमेंट्स है बहुत सारे, एंड फर्स्ट ग्लांस पे दिस इज व्हाट लुक्स लाइक। आई फील लाइक अगर मैं इसको खींचूंगी तो ये बड़ा हो जाएगा। ओह, ये नहीं आया बाहर, ये वाला सलिया भी नहीं आया, इसको भी ले आना है। दिस दे आर सपोज टू स्लाइड इट इन, ओके। तो दे पुट अल्फाबेट्स ऑन द साइड टू हेल्प यू मैच ऑन द अदर साइड, सो दिस वे देयर विल बी अ प्रॉपर बैलेंस मेंटेन। नाउ द ट्रे इज रेडी टू बी पुट ऑन द बालकनी। तो ऐसे लगाना होता है, तो डिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, सो वी कैन अनलॉक दिस, पुट इट इन, पीछे का अल्फाबेट थोड़ा मे बी से ओ। तो दिस ना आई थिंक द लॉकिंग सिस्टम फॉर दिस इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, क्योंकि अगर मैं सिर्फ टच कर रही हूँ ना तो भी ये बेंड हो रहा है। लेट मी स्टिल गेट अ फ्यू क्लोथ्स एंड हैंग हियर, लेट्स ट्राई दैट। ये रह तो रहा है, गिर तो नहीं रहा है, एंड दिस कोट इज एक्चुअली प्रिटी हैवी।
Yeah, now the lock has come properly in place. Now even if I'm like hitting it, it's not coming down. Okay. Yeah, this is working. इसपे आप flower pots भी रख सकते हो. It will add space to your balcony. And this I'll give a 9 out of 10. Assemble करना थोड़ा और easy होता तो like if a manual would have been there. But for functionality, it's superb and definitely creating space. So 9 out of 10 it is for this. फोर्थ प्रोडक्ट है ये बैग होल्डर, स्पेसिफिकली अ डस्टबिन बैग होल्डर. व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू हैव अ पार्टी और समथिंग एंड यू वांट एन एक्स्ट्रा डस्टबिन. अभी तो कहाँ ही पार्टी, बट इन जनरल इफ यू वांट टू हैव लाइक एन एडिशनल स्पेस, तो वो एक जब इंसान अकेला होता ना तब वो खुद बैग खुला भी रखे और खुद सामान भरे वो भी पॉसिबल नहीं होता. सो नॉट जस्ट अ डस्टबिन बैग बट एनी बैग, इफ यू वांट टू फिल स्टफ इनसाइड इट देन यू कैन पुट दिस होल्डर ऑन अ शेल्फ और अ ड्रॉअर कंपार्टमेंट एंड देन यू कैन पुट टू both the handles of the bag on each side. This is the bag holder. तो पहले compartment खोलते हैं and then इस part को ना इसमें फंसाना है. Now in this you can put in any dustbin bag. I'll get one. This is where the mouth of the bag is. तो इसको अंदर से खींचते हैं और फिर इसको अगर ऐसे open कर देते हैं so it is easy to put things in. I understand ki if you have disposable plates and all to dalna difficult ho sakta hai, but that you can fold and put in वैसे भी. and जो छोटा मोटा कचरा होता है वो तो आप डाल ही सकते हो. इसका drawback ये है कि ये covered नहीं है and I feel like personally dustbins covered होने चाहिए so that if there's any wet waste वो expose ना हो to insects and flies and everything. but I think this can be used for dry waste definitely. so you can this can help you separate the dry waste and the wet waste and For that, it's better than investing in an entire dustbin. If you want to save space, so just get a thumbs up, and I think I'd give this 9 out of 10. Fifth product, though, total gimmick hai, but a cute gimmick, like a gimmick that works. So it's this rubber duckling, which you have to put on your null, and then it looks as if the water is coming out from the ducku. It's quite cute. It actually came alag. ये मम्मा ने ना assemble करके test भी कर दिया, और मेरे को बोला रिहली इधर आ जल्दी देखा. मैं बोली मम्मा ये video में देखना है अपने को कि चल रहा है कि नहीं, सब अभी देख लेंगे तो video कैसे बनाएंगे. तो she was laughing about it. तो ये ऐसे दो अलग अटैचमेंट्स में आया था. तो इज दिस अ प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग? नॉट एट ऑल. दिस डज नॉट मेक योर जॉब एनी ईजी. तो ओनली वे दैट इट डज मेक ईजी इज कि नॉर्मली नल फेसिंग डाउन होता है तो पानी ये फ्लो में आता है. वंस यू पुट द डक ऑन हेयर इट्स सपोज टू कम थोड़ा लाइक स्लांट. तो दैट्स द ओनली एडिशनल बेनिफिट इफ यू थिंक अबाउट इट. अदरवाइज वी डिडंट बाय दिस फ्रॉम अ प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू. ये मम्मा को ऐसे बहुत क्यूट लगा तो शी बॉट वन. तो ये दोनों डॉट्स को इन होल्स में डाल देंगे एंड दैट हैज़ गॉन एंड फिट. सो अब ये आप रोटेट कर सकते हो. अब हियर द नल इज सपोज टू गो, तो नल को ऐसे डाल देते हैं एंड नाउ यू कैन रोटेट द डक अ लिटिल बिट इफ यू वांट. सो इट लुक्स प्रॉपरली लाइक उसके बीक में से निकल रहा है. दैट्स नॉट वेस्ट मूव वाटर बट इट्स वेरी realistic. It's not realistic but it's just a cute addition. So if you like these kind of things to spice up your home, if this is your taste, so you can give it a shot because it works. और आज के वीडियो की फाइनल आइटम है ये. दिस लुक्स वेरी वियर्ड ना, इसलिए मैंने इसको लास्ट ही रखा. तो अगर ये मुझे डायरेक्टली देखने मिलता तो मैं कभी गेस नहीं कर पाती इसका पर्पस एग्जैक्टली क्या है. बट वंस मॉम टोल्ड मी इट मेड टोटल सेंस. अभी वर्क फ्रॉम होम के टाइम पे क्या हो जाता है कि इफ देयर इज एसी गोइंग ऑन इन वन रूम एंड इफ देयर इज अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन लाइक अंडर योर डोर एंड द फ्लोरिंग, और वहाँ से अगर हवा एस्केप हो रही है एंड इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर कूलिंग बट यू डोंट वॉन्ट टू रिड्यूस द टेम्परेचर, तो टू ब्लॉक द एयर फ्रॉम गोइंग आउट दिस यू हैव टू पुट अंडर योर डोर, सो दैट जितनी भी हवा जा रही हो वो कम हो जाए और ज्यादा कूलिंग रूम के अंदर ही रहे. ये आप दोनों साइड से पकड़िए एंड जस्ट स्लाइड इट अंडर द बाथरूम डोर, लाइक अंडर एनी डोर एक्चुअली. तो ऐसे ही स्लाइड कर करके पूरे डोर में आप इसको डाल सकते हो एंड दिस विल प्रिवेंट द कोल्ड एयर फ्रॉम गोइंग आउट. सो दिस वाज अ टेस्टिंग वियर्ड होम इम्प्रूवमेंट आइटम. इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो देन गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. इफ यू डिड नॉट एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो बिंदास गिव इट अ थम्स डाउन. आई विल सी यू इन अ ब्रांड न्यू वीडियो वेरी वेरी सून. अंटिल देन गुड बाय.